मैं यही कहती हूँ कि मोइन अंकल के साथ एजाज हासिल, उनके साथ काम किया, सालों काम किया, अनवर मकसूद साहब, कौन कौन ऐसा सीनियर है जो रब ने मुझे मौका नहीं दिया, इतना लकी नहीं बनाया कि मैंने ऐसे सीनियर्स के साथ काम किया है। और जब बड़े कोई आते हैं तो दिल जाता है सर, जब बदर बदुआपा आती है, बदर खलील आपा, तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ उनके पैरों में कि मैं उन लोगों को ऐसे देखती हूँ, अभी भी आप लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ जैसे मैं टीवी पे देख रही हूँ। काम करने के बावजूद यकीन नहीं आता कि मैंने आप लोगों के साथ काम किया है। अब आप यकीन करें, अब जब मैं भाई को देखता हूँ तो वैसे उस जमाने में कवालियां वैसे भी होती थी, लेकिन एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जिसमें इब्राहिम नफीस ने मेन रोल किया था, इश्क हबीब, जी जी, वो लिबर्टी सिनेमा पापोश नगर में लगी थी, हम नाजामाबाद में रहते थे। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी दफा वो फिल्म देखी और उसकी कवालियां वाले साथ की, आज तक उस लेवल की कवाली मैंने। अच्छा माशाल्लाह हजरत, आपकी इजाजत के साथ चूंकि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारी टीम माशाल्लाह रोजाना तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की अफतारी का इंतजाम जो राहगीर होते हैं उनके लिए करती है। हम लोग शामिल नहीं होंगे, आप तो इधर तो अलग ही होगा। अच्छा, 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 ठीक है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या जरूर, आइए आइए सर को देख लेके चलते हैं। आइए अमजद भाई, चलिए हमारी बाहर साजिद भाई, मैं लेके चल रहा हूँ आपको, सुमानी भाई बाहर, हसान भाई और जबेरिया भी है, बाहर चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ बाहर। आइए सर, सर मैं मुझे मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक है, आइए आइए मेरे साथ। इस वक्त बाहर जुवेरिया और हसान भाई मदद कर रहे हैं हमारे तमाम उस टीम की जो अफतारी भेजती है बॉक्सेस में, और आप लोग देखना चाहेंगे, मैं बाहर जाके दो मिनट में वापस आती हूँ। अकबर जुबानी साहब, अरे यार आपके क्यों उठाए यार, कर दे जो अक्लो होश से अनजान इश्क है, मंजिल मिले उस राह की पहचान इश्क है। आंखों में हसरतों की जगह पर उम्मीद हो जिससे भला सबका कुछ ऐसी नवीद हो। जिनके लिए तरसते रहे उनकी जीद हो, इंसानियत पे जिसका हो ईमान इश्क है। सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। रब की रजा पे जान भी कुर्बान इश्क है, सबके लिए पैगाम है रमजान इश्क है। हर सिमत उसकी नेमतें उसका कमाल है, पत्ता भी हिल ना पाए क्या इसकी मजाल है। कुदरत को तेरी देखकर हैरान इश्क है। रहमत हो मगफिरत हो या हो आग से निजात, बहुत अच्छा हुआ है आजकल मौसम और बादल से भी आए हुए हैं आज। अकबर सर आलू के पकोड़े हैं और क्या किया है भैया? अच्छा दही पुल की और चाट है, फ्रूट चाट, खजूर है, और ये क्या है? आलू के चंक्स, आलू के चंक्स, बड़े जबरदस्त। ये अकबर सर जाता है डेली, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बस ये पैकिंग हो रही है। अल्लाह ताला और बरकत दे आप लोगों को। आमीन आमीन आमीन। देखो तेल लगता है, ये लोग यहाँ पर हैं, मैं अंदर जाती हूँ और जो कल अफतारी गई है उसकी आप लोगों को झलक। अच्छा एक समोसा डाल दें जरा, मुझे बता दीजिए। ये वाले हाँ वो कच्चे हैं, ये पक्के हैं। अच्छा अच्छा, कब बताया आप? जी मैंने बताया था। बताया।
بہت زیادہ دیر میں افطاری تیار ہوتی ہے, 100 لوگوں کو پلس جاتی ہے. آپ ہمارا ساتھ تمہائیے گا, ساتھ رہیے گا. ابھی واپس آتے ہیں رمضان عشق میں. سمیع بھائی ذرا آ جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر خوش آمدید. پروگرام رمضان عشق ہے جو کہ اے پلس اور اے ٹی وی پر مشترکہ طور پر ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, اور اس وقت وقت ہوا ہے سیگمنٹ ہمارا ہے جان رحمت. آج ایک نئے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں ٹیم قادری کی باری ہے, اور اس میں پانچ کنٹیسٹنٹ یعنی ڈیلی اب جو باری آتی جائے گی. تو جس طرح سے پہلے ہم چار چار کنٹیسٹنٹس کو سنا کرتے تھے, آج سے ہم پانچ پانچ کنٹیسٹنٹس کو سنا کریں گے. ایک بات بتاتی چلوں, ان میں سے تو سلیکٹ ہو جائیں گے لیکن جو رنرز اپ ہیں ان کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں مولم ٹیب اور ایلین 2 اسپیکر 2.0 ڈینی ٹیکنالوجیز کی جانب سے, وہ آپ کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشنز حاصل کرنے والے خوش نصیب کو 1300 سی سی کار, 800 سی سی کار اور 150 سی سی موٹر بائک دی جائے گی. جس کے علاوہ
उम्रा का मुकम्मल पैकेज दिया जाएगा, ना सिर्फ टिकट वीजा, उसमें दीगर सहूलियात जो एक उम्रे के सफर के लिए दरकार होती है वो तमाम अल हरमैन ट्रेवल एंड टूर्स की जानिब से दी जा रही है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। पहली हमारे साथ जो कंटेस्टेंट है उनका नाम है हुमा किरण कादरी, उनकी एज है 20 बरस और उनका ताल्लुक है कराची से। मैं गुजारिश करूंगी कि मसनद हसन पर तशरीफ लाएं और नात का नजराना पेश कीजिए। सेंटर में, सेंटर में नाम ये लिखते रहेंगे हम, सीधे बता देंगे आपको। बिस्मिल्लाह। मेरे पास जो फाइनल में लिख लेगी ना, ऐसा तुझे हाजरीन और नाजरीन बताती चलूं हमारे साथ मौजूद थी हुमा किरण कादरी, इनका ताल्लुक कराची से है। अगली कंटेस्टेंट को मैं बुलाना चाहूंगी, सैयदा सालेहा सुहेल इनका नाम है, इनकी उम्र है 23 बरस और इनका ताल्लुक भी है कराची से। तशरीफ लाइए और नात का नजराना पेश कीजिए। इससे पहले कि बच्चे शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुड लक के साथ आज रेहान भाई आपकी टीम जी ने बड़ी धमाकेदार शुरुआत की है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अमजद भाई और फरहान भाई और हसन भाई जो हैं वो उनके चेहरे में देख रही थी, खुश तो बड़े हैं जाहिर है माशाल्लाह कि यहाँ नात खानी हो रही है, लेकिन चूंकि अच्छा जी कुछ कह रहे हैं आप। धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह ये कि उनके कप्तान ने इनिंग्स का आगाज किया माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। जी समी आप क्या कह रहे थे जी? 5 कंटेस्टेंट्स हैं आज, 4-4 का मुकाबले का पहला फेज खत्म हुआ, अब मुकाबला 5-5 कंटेस्टेंट्स के बीच में होगा। टीम कादरी से आज शुरू हो रहा है ये मुकाबला, धमाकेदार स्टार्ट हुआ है। बिस्मिल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखा रोजा तेरा। नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखा रोजा तेरा। बुला ले मैनू वी दर ते, मैं वेखा रोजा इसकी। इसमें आप टेम्पो पे पढ़ रही हैं, हमने कल भी बताया था कि अगर ऐसा कलाम पढ़ें जिसमें टेम्पो ना हो, तो कोई और कलाम अगर पढ़ना चाहें
سلوکے باپو نے کہا تھا کل یہ کہ یہ مقابلے کا کلام نہیں ہے بھائی, مقابلے کا کلام پڑھنے کا, مقابلے میں اتنے بڑے مقابلے میں میرے خیال میں پاکستان کا جو بھی بڑا مقابلہ ہو رہا ہے جو بھی آپ کو یاد. اچھا اب میں ایک قطع کلامی اور اجازت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی, جو جو بھی ٹیمز آ رہی ہیں, یہ میری ٹیم بھی پلیز سن لے بہت غور سے, جو جو بھی ٹیمز آ رہی ہیں اب ان کے ساتھ ان کے کیپٹنز کا نام جڑا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ یہاں